जय हिंद डिफेंस इंस्पायरेंट, मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस सेटर 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। ओके रजत, नेहा, आतिश, रीता, ओके ओके वसुंधरा गुप्ता, भाग्यश्री, जय हिंद, जय माँ भवानी, अनुश्री, गुड मॉर्निंग। तो सभी का वेलकम है आपको। रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि प्रभु श्री राम का आशीष हम पे बना रहे, हम भी उनकी तरह, जिस वजह से राम जी को राम जी कहा जाता है, अच्छे गुणों की वजह से। तो वो सारी चीजें है, आप में भी ऐसे गुण आए। ओके रजत कम्बोज, साउंड लो है, साउंड सही आ रही है? एक बार बताओ पहले, साउंड इज ओके? राधे गुप्ता ओके, जय हिंद सरिता राठी, साउंड सही है? जरा मेरे को एक बार बात बता दो। ओके ओके, साउंड तो सही आ रही है। ओके आतिश गुलिया, थैंक यू, आपका सेकंड है, बहुत कम साउंड है। ओके चेक करता हूं जरा एक बार, रुको। अब सही है साउंड? देखो अब सही है साउंड? ओके होनी चाहिए अब तो ज्यादा साफ। और कम हो गई? नाउ इट विल बी ओके। चलो मैं तेज बोलूंगा ताकि आप लोगों को आवाज तेज सुनाई दे। ओके चलो लेक्चर को शुरू करते हैं फटाफट। एक बार गुड मॉर्निंग। ओके माउथ पीस तो यहीं पे है। ओके ब्रेट, माउथ पीस तो यहीं है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कोई साउंड का कोई इशू जो है, क्योंकि क्लास के बीच में ना हो तो। ओके अब सही है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने है कि लॉकडाउन स्पेशल अनलिमिटेड वीडियोस घर बैठे तैयारी सिलेक्शन की, ये अड्डा 24/7 आपके लिए लाया है। लॉकडाउन स्पेशल अनलिमिटेड वीडियोस वीडियो क्लासेस सिर्फ 99 रुपये। तो अगर आपको बाय करना है तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे विजिट करिएगा और आप वहाँ पे उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले उसके लिए। ये 21 डेज फ्री चैलेंजिंग मॉक्स है, ये चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर रोज दोपहर 1 बजे शुरू होता है। इसमें देखिएगा आपका 31 मार्च को तो हो गया है, किसका? एफकेट का, आप लोगों ने शायद दिया भी हो। अब आपको 5 अप्रैल को यूपीएससी सीएपीएफ का देना, बाकी आप ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, चाहे कोई सा भी, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो। इसमें क्या होगा, 21 डेज चैलेंजिंग मॉक्स होंगे और 21 मेनर्स होंगे, यानी ऑल इंडिया लेवल पे रैंक दी जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पे क्या दी जाएगी, रैंक दी जाएगी। ओके चलिए शुरू करते हैं। ओके चलो ओके किसी कोई डिसलाइक करके, जैसे डिसलाइक करके जाना है वो जा सकता है। ओके नो इशू। ओके 11 अप्रैल को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होगा, तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो थॉट ऑफ द डे है, आज जो आपका थॉट ऑफ द डे है वो क्या है, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता, इट इज ए रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, ये क्या होता है, अध्ययन यानी तैयारी, हार्डवर्क यानी कठोर परिश्रम, और अपनी असफलताओं से सीखने का एक तरीका होता है सफल सक्सेस के लिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। ओके
एशियन इंडियन हिस्ट्री कंसेप्ट विद एमसीक्यू, इसे हम पढ़ेंगे। एशियन इंडियन हिस्ट्री कंसेप्ट विद एमसीक्यू, इसे हम पढ़ेंगे। ओके, ईयरफोन के साथ आवाज ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एशियंट इंडियन हिस्ट्री विद कंसेप्ट एंड एमसीक्यू पढ़ेंगे। पीछे से यूट्यूब में इशू होगा, मैंने अपनी तरफ से अपने लेवल पे सब चेक कर लिया है, यहाँ से कोई इशू नहीं आ रहा है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पे होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे होगा। किस पे होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। ओके, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। एशियंट साइट्स दी गई हैं, एक तरफ ए बी सी डी ई और ए बी सी डी, और दूसरी तरफ वहां पे क्या क्या चीजें पाई गई हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? लोथल, कालीबंगान, धोलावीरा, बनावली, जल्दी से। और देखे कौन कौन है। ओके, हाँ मैं तेज भी बोल रहा। ओके ओके, ऑल ऑफ माई फ्रेंड, साउंड इज क्लियर? हाँ बिल्कुल, मैं तेज भी बोल रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुरभि गुप्ता, चलो अगर साउंड में इशू हो रहा है ना तो मैं तेज बोल रहा हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। सिंधु सभ्यता, जी हाँ, बस जल्दी से फटाफट जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? लोथल, कालीबंगान, धोलावीरा, बनावली, जल्दी से आंसर बताइएगा। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और भाग्यश्री ने इस क्वेश्चन का आंसर बी बताया है। भाग्यश्री ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया है? बी बताया। ओके चलो, ओके, भाग्यश्री ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया है? बी बताया। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर अब हम करते हैं, हम चलते हैं। ये है आपके सामने इंडिया का मैप, ये क्या है आपके सामने? इंडिया का मैप है। और सेशन को पहले शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो इस इंडिया के मैप में आपको पहले जानना होगा कि ये साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये है, ये कहाँ कहाँ पर है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये जो साइट्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, धोलावीरा, धोलावीरा आपकी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। धोलावीरा आपकी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। उसके बाद आपका पड़ता है लोथल, लोथल जो है ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की दो साइट्स आपकी गुजरात में पड़ती है, पहली धोलावीरा, दूसरी लोथल। फिर उसके बाद आपकी आती है राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है कालीबंगान। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पड़ती है? कालीबंगान पड़ती है। और फिर जो लास्ट वन थी वो हरियाणा, हरियाणा में के हिसार जिले में पड़ती है बनावली। तो इन चारों साइट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर रहे थे। ओके ओके, इन चारों को साइट्स के बारे में हम क्या कर रहे थे? डिस्कशन करेंगे, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगान और बनावली। तो अगर हम देखें तो जो लोथल है, इसकी जो ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है और भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है और भोगवा नदी के किनारे है। एस आर राव ने 1957 में इसकी क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी। आंसर अभी मैं बताऊंगा, जरा होल्ड करना। कालीबंगान, यहाँ से काले चूड़िया पाई गई थी, ब्लैक बंगाल, इसी वजह से कालीबंगान कहा जाता है। और ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर। और आलमांद आमलंद घोष ने इसका की खोज करी थी। धोलावीरा, इसकी खोज जेपी जोशी ने 1990 में की थी। ये क्या है? लेटेस्ट साइट है, सबसे बाद में पाए गए, लेटेस्ट। ओके, ये कौन सी है? लेटेस्ट साइट। अगर भी क्वेश्चन आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे रीसेंट साइट कौन सी हमने खोजी है, तो वो धोलावीरा। और बनावली, बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने करी थी? आर एस बिष्ट ने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? आर एस बिष्ट ने। आपको ये चीज मैंने बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, किसकी ओर? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक ये डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था। कालीबंगान, कालीबंगान जो है, कालीबंगान से हमें एक मिट्टी के हल्के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? मिट्टी के हल्के अवशेष प्राप्त हुए। गुड मॉर्निंग सभी को, वानी सिंह वगैरह, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी, तो सी का जो है ना, यहाँ से हमें धोलावीरा से क्या मिला है? यूनिक वाटर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि यूनिक वाटर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। और बनावली से हमें क्या मिला है? टेराकोटा। ओके, टेराकोटा, एक सेकेंड, ओके,
टेराकोटा, हाँ बिल्कुल, टेराकोटा का प्लो मिला, रिप्लिका ऑफ प्लो यानी छोटा उसका नमूना मिला। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके जी हाँ, ओके अनुश्री सर, आई एम न्यू इन टेलीग्राम, आपका ग्रुप कौन सा है, ज्वाइन कर लिया बट कुछ समझ नहीं आया है, सिर्फ एफ कैट वन का ही वीडियो शो हो रहा है। ओके, चलो देखो आप ग्रुप पे आप जी, ये तो है ग्रुप जीएस विद जीवेश, इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, अगर ये ना मिले तो जीएस विद जीवी, ये चैनल है, ये तो जरूर मिल जाएगा, जीएस विद जीवी ये तो आपको जरूर मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, जीएस विद जीवेश और जीएस विद जीवी। ओके चलो, तो इसका आंसर क्या है, बी, और पीडीएफ में मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का चरित्र कौन बताता है, कि दे पोजेस्ट ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स, की उनके जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो काफी बड़े उनके पैलेसेस होते थे यानी महल होते थे और मंदिर होते थे, दे वर्शिप बोथ मेल और फीमेल डेटीज, वो पुरुष और महिला दोनों देवी देवताओं की पूजा करते थे, और दे एम्प्लॉयड हॉर्सेस टू ड्रॉन चैरियट, और वो रथों को चलाने के लिए किसका, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, अगर आपने मोहन जोदाड़ो पिक्चर देखी है तो भी आप इसका आंसर दे देंगे, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और ये सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी से इसको करिएगा, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, कोई विचार व्यक्ति बीच में डिसलाइक करके चला गया, खैर कोई बात नहीं। ओके, इतनी अच्छी चीज मिल रही है, जरा सी चीज में एटीट्यूड में अपना खो दिया काम उसने। ओके, ऑप्शन नंबर सी, वन सेकेंड और थर्ड। ओके, नन ऑफ द अबव, वाणी सिंह ने इसका आंसर दिया है डी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ओके, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही महलों के प्रमाण मिले हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट भाई गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट भाई गलत है। दे पोजेस, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, जी हाँ बिल्कुल, ये मदर गॉडेस और प्रोटो शिवा पशुपति महादेव की पूजा करते थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, दे एम्प्लॉयड हॉर्सेस, हॉर्स को यूज नहीं करते थे, वो बैल को यूज करते थे, तो आपकी ये तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो अंजलि यादव ने हमेशा की तरह, अंजलि हमेशा सही आंसर देती है, एकदम बिल्कुल सही। साक्षी शर्मा बेटा बोलो क्या है, ओके इसका आंसर है बी। राहुल आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बी इसका आंसर है, और भाई सेशन को जरा शेयर और लाइक जरूर करो फटाफट। ओके चलो बढ़ते हैं, अब देखो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आइडेंटिफाई दी साइट्स, ये साइट्स को आइडेंटिफाई करिए, मैप है, मैप में चार पॉइंट बनाए, यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाती है, और मैंने भी ये क्वेश्चन खुद से बनाए हैं, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं कराई है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ पे डॉट आपको जो दे रखे, चार डॉट दिखा रखे हैं मैंने आपको, चार डॉट में कौन कौन सा प्लेस है, प्लेसेस के नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने दे रखे हैं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि इनमें कौन कौन सा प्लेस है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा फटाफट फटाफट, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ओके जी हाँ, नहीं मान्य सिंह मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे, प्रकृति की देवी की, ठीक है, वो एक लिंग की पूजा करते थे और योनि की पूजा करते थे। ओके जल्दी बताइएगा, रजत कंबोज, हरजोत, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई। ओके जल्दी से इसका आंसर बताओ, साक्षी शर्मा क्या पूछ रहे हो बेटा आंसर जल्दी बताओ। ओके और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से इसका आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ये चार डॉट है और ये सर्च करने से नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। ओके मैप सही से नहीं दिखाई दे रहा, अरे मैप तो बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है, ए इसका ऑप्शन है 1 2 3, ए इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। ओके विजय दामू, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप सर। ओके बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ओके जल्दी सर, बी ऑप्शन बता रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, ये वाली जो साइट है ना, ये है आपकी हड़प्पा। ओके ये कौन सी है, हड़प्पा, फिर ये वाली जो साइट है ये है आपकी मोहन जोदाड़ो, आज आपको सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन करा दूंगा, मोहन जोदाड़ो, ये वाली जो साइट है ये है चानू दरो। ओके और ये वाली जो साइट है ये है आपकी आलमगीरपुर
गिरपुर, ओके, ये वाली साइड कौन सी है आपकी, आलमगीरपुर। तो इस तरीके से देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदूदड़ो और आलमगीर, यानी 1257, 1257, ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ओके वीडी सर, वेरी गुड, भाग्यश्री। चलो अब देखो, आपको मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कौन सी साइट कहाँ पे थी और उसकी का क्या इंपॉर्टेंस थी। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। सबसे पहले जो हमें इसकी नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तर में इसका कौन सा स्थल था और दक्षिण में कौन सा स्थल था, उसको हम देखते हैं। तो सबसे उत्तर में जो इसका स्थल था वो मांडा, ये मांडा आपका किस में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। किस में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, झेलम, ओके, झेलम नदी के किनारे है। ओके वेरी गुड। उसके बाद इसका जो सेकंड सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो किस में पड़ता है, दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। किस में पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। और ये कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। ओके, फिर अब बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। अब बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। तो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सुप्ता गेंडोर है और ये मकरान कोस्ट पे है। मकरान कोस्ट यानी पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है। ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट, ओके, ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट, ये नॉर्दर्न मोस्ट, ये सदर्न मोस्ट। और अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, आलमगीरपुर, मेरठ, और ये हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। ओके वेरी गुड। और कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। भाई समझ आ गया, प्रीति यादव, हरजोत, दिव्या, रीता, भाग्यश्री, ओके, सुरभि, समझ आ गया नॉर्दर्न ईस्टर्न पॉइंट। तो अगर आपको देखा जाए, आपको मैं बताऊं तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कौन कौन से रीजन में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता इस सारे रीजन में थी, ठीक है, ऐसे ऐसे ये फैली हुई थी। ओके, ऐसे इसमें ये इस सारे रीजन में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन करा ना, इसमें सारे में क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ओके, और ये उस समय नदियों के किनारे बहती थी, ठीक है, नदियों के, क्योंकि वाटर के पास उपजाऊ जमीन होती थी। वाटर नदियों के पास क्या होती थी, उपजाऊ जमीन होती थी। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके वेरी गुड, अगला क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस इज इन दी लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में कौन सा स्थल है। अब जरा ध्यान से सुनोगो, जल्दी से आंसर दो उस क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, जल्दी आंसर बताइएगा। ओके सर, मुझे तो मैप तो समझना पड़ेगा, मैप तो समझना पड़ेगा, बिल्कुल, बिना मैप के समझना, मैप नहीं समझोगे तो कैसे जंगलों में आप अपने सोल्जर्स को मूव करोगे। ओके, ये डायरेक्शन होना जरूरी है। रात में भी जैसे सिखाया जाता है, रात में पोल स्टार को, जब ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि रात को अगर हम रात में हो तो हम कैसे दिशा को पता करें। ओके, तो हड़प्पा, जी हाँ, देखो हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा जो स्थल है ये पाकिस्तान के लरकाना, सॉरी ये हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा नहीं है भाई, तुम्हारे चक्कर में मैं भी हड़प्पा करने लग गया। ये इसका आंसर है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। ओके, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे बसा पड़ा है। किस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इंडस नदी के किनारे बसा हुआ। अभिषेक झा, सुरभि, ओके, बिल्कुल आपने सही बताया सुरभि, अंजलि यादव, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा नहीं है इसका आंसर। ओके देखो, मोहनजोदाड़ो जिसे क्या बोला जाता है, माउंट्स ऑफ डेड, सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है, माउंट्स ऑफ डेड, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा शहर था, क्या थी ये, लार्जेस्ट साइट थी, क्या थी ये, लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने क्वेश्चन आते हैं ना, सारे आज ही करा दूंगा, प्लीज इसे देख लो ध्यान से। ओके, और इसकी खोज किसने करी थी, आर डी बैनर्जी ने करी थी। किसने करी थी, राखल दास बैनर्जी ने, 1922 में करी थी। कब करी थी, 1922।
हड़प्पा जो है, हड़प्पा 1921 में दयाराम सहानी, हड़प्पा 1921 में दयाराम सहानी ने करी थी इसकी खोज, ठीक है, ओके, दयाराम सहानी। और जो माउंट्स ऑफ डेट नाम था वो किसने दिया था, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस वक्त जो हेड थे सर जॉन मार्शल ने इसे, ओके बिल्कुल मैं रीडिंग पर सेशन दूंगा, उन्होंने इसको नाम दिया था मोहन जोदाड़ो यानी माउंट्स ऑफ डेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर वर दी रेजिडेंशियल हाउस ऑफ इंडस वैली पीपल मेड ऑफ, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के जो घर होते थे वो किससे बने होते थे, मड से, स्टोन से, क्रॉप कॉपर से या बेक्ड ब्रिक से। और ध्यान रखिएगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपकी ना ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। क्या थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी ये, ओके, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी यानी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ओके, जी हाँ, वेरी गुड। तो ये किसके बने होते थे, बेक्ड ब्रिक्स के, पक्की ईंटों के घर होते थे, किसके होते थे, पक्की ईंटों के घर होते थे, बहुत अच्छे। तो जो बेक्ड ब्रिक्स होते हैं रेजिडेंशियल हाउस वर बोथ बिल्ट ऑफ रोड्स, ओके, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ होते थे और दो मंजिल तक के होते थे, और ये किसके बने होते थे, बेक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंटों के बने होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मैच दी फॉलोइंग, जल्दी से मैच दी फॉलोइंग करिए, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगान, हड़प्पा और आलमगीर, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर। आतिश भूलिया, सरिता राठी, सुरभि गुप्ता, ओके, भाग्यश्री, तेजेंद्र सिंह, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिव्या, सचिन यादव, रजत कंबोज, ब्रैट, हरजोत, जगन्नाथ, चंदन, वानी, नैंडी, अभिषेक झा, प्रीति यादव, वेद प्रकाश, जल्दी राहुल, फटाफट जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ओके ओके। ये आपका मोहनजोदाड़ो में ही सब जगह बेक्ड बिग को यूज किया गया, ओके, यस। चलो बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। देखो मोहनजोदाड़ो है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो इंडस नदी के किनारे बसा पड़ा था। हड़प्पा जो है ये आपका मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान पंजाब में और रावी नदी के किनारे। जो कालीबंगान है ना, ये घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन घग्गर नदी हरियाणा की मौसमी नदी है, इसे कहा जाता है कालीबंगान सरस्वती नदी के किनारे होता था क्योंकि पहले सरस्वती नदी थी। और आलमगीरपुर ये तो आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। तो अगर देखा जाए ए का 3, ओके, बी का 1, ओके, सी का 2, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेरे को आंसर नहीं पता होता लेकिन मैं यही आपके सामने सॉल्व करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाते हो तो मैं ध्यान नहीं करता हूँ, आपके साथ साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करता चलता हूँ। वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 3123, क्या है, 3123, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हुए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता में घर होते थे वो ईंट के बने होते थे, जी बिल्कुल सही। देयर वॉज नो ड्रेनेज सिस्टम, ओके, उस समय कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था। बाथरूम वर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोस्ट हाउसेज, जो बाथरूम होता था वो इम्पॉर्टेंट फीचर होता था सभी घरों का। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें से कौन सी दो सही है। मैंने खुद ही आंसर बता दिया कौन सी दो सही है, केवल दो ही आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन ये आउट हो गया। आप तीन ऑप्शन में से आपको आंसर निकालना है, देयर वर नो ड्रेनेज सिस्टम, नहीं भाई वहां पे ड्रेनेज सिस्टम था, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर होगा बी, बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, बी, 1 और 3, वेद प्रकाश, जी हाँ, सुरभि गुप्ता, बेटा गलत हो गया आंसर, वानी सिंह बिल्कुल सही, विशाल कुमार बिल्कुल, चंदन बिल्कुल, जबरदस्त तरीके से। तो ध्यान रखना इंडस वैली पीपल कैसी ईंट का यूज करते थे, बर्न्ड ब्रिक यानी पक्की ईंट का, गुड क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल होता था। सभी घरों में बाथरूम के एविडेंस पाए गए हैं और कुछ केसेस में ये देखा गया है कि पहले मंजिल पे भी बाथरूम होता था। और ड्रेन, जो नालियां बनी होती थी वो मोटार, लाइम और जिप्सम, जिससे सीमेंट बनता है उसकी नालियां बनी होती थी ड्रेनेज। तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जा, ये कैसी सिविलाइजेशन थी, अर्बन,
ओके, ये कैसी सिविलाइजेशन थी? शहरी सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ध्यान रखिए। इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं ना, वैदिक सिविलाइजेशन आपकी रूरल है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसी वजह से क्या कहा जाता है, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, फिर महाजनपद काल पढ़ते हैं। महाजनपद काल को जब भारत में 16 बड़े राज्य होते थे, जैसे काशी, मगध, मथुरा, ये क्या, इन्हें इसे क्या कहा जाता है, महाजनपद पीरियड को सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा जाता है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और सारे एकदम जुड़े हुए, मेरा मजा आ रहा है। हाँ ओके, हाँ बिल्कुल फ्लू ना है, बिल्कुल सौरभ आप बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, जल्दी से बता दो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ओके, इसमें तो आपको आंसर ही दिख गया। देखो, विच आर दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, विच आर दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, इंडस वैली, ये जो इसमें इनकरेक्ट है ना, तो देखो यहाँ पे क्या था, सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मेड अप ऑफ क्ले, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। अब आपको आंसर इसमें दिख गया है तो बिल्कुल बताना पड़ेगा। बाकी ये वाली स्टेटमेंट यानी बी सी डी ये एकदम सही है। देखो यहाँ पे मैंने कर भी रखा था, इसे मैं एनिमेट नहीं कर पाया। ओके, बी सी डी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में 250 से ज़्यादा, 2500 से अधिक मोहरे यानी सील प्राप्त तो हुई हैं, जो किसकी बनी थी, सेटेलाइट या सिटी, सेटेलाइट लिखा ना, सेलेटाइट बोलते हैं उसे, यहाँ सेटेलाइट हो गया, सिलेटाइट बोलते हैं, सिलेलाइट हो। ओके, इसकी बनी होती थी, सिटेटाइट की बनी होती थी, मिट्टी की नहीं बनी होती थी। किसकी? मिट्टी की नहीं बनी होती थी। अच्छा, जो सील होती थी ये इसमें एक सींग वाला बैल होता था, एलिफेंट होता था, राइनोसोरस होता था, और इसमें ट्री, ह्यूमन, ये सारी चीज होते थे। ओके, बी का मतलब समझाए। अच्छा, बी का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मेजरमेंट करते थे, पहली बात तो वो 16 का गुना होता था, और वो क्यूबिकल, जैसे हमारे यहाँ बाट होते थे, उनके जो जो मेजरमेंट या जो वजन करते थे वो क्यूबिकल और गोल होते थे, स्फेरिकल होते थे। ओके, जगन्नाथ नायक, आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। वेरी गुड। ओके, बिगेस्ट साइट वो है इंडिया में राखीगढ़ है। वैसे पूरा टोटल देखा जाए तो वो है आपकी, क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो। ओके, चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से जानवर की सील नहीं है? ओके, कौन से जानवर की सील नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से जानवर की सील नहीं है, मतलब मोहर नहीं बनाए गए? कैमल, गोट, एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जिस ऑप्शन में 4 होगा वो उसका आंसर होगा। यानी पहला तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें से, इसमें से, इसमें से, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई गोट और एलिफेंट तो होता था, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ओके, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बेफेलो भी होता था, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। कैमल और हॉर्स इनकी सील नहीं होती थी, कैमल और हॉर्स इनकी सील नहीं होती थी, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रीबा सिंह ने इसका आंसर सही दिया है, कुणाल आपने भी इसका आंसर सही दिया है। ओके, वेरी गुड। तो देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल हैज बीन डिसेप्टेड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दीज इंक्लूड शीप, गोट, हम्प्ड बुल, बफेलो, एलिफेंट, द बोन्स ऑफ कैमल। देखो, कैमल की क्या पाई गई है ना, हड्डियां पाई गई हैं। द बोन्स ऑफ कैमल हैव बीन फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ वेरियस साइट फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, बट एनिमल इज नॉट डिसेप्टेड ऑन द सील्स। टेराकोटा फिगराइन यानी टेराकोटा की क्या मूर्ति मिली है? हॉर्स हैव फाउंड एट नौशेरा, ये कश्मीर में पड़ता है, और लोथल, बट नो अनएम्बिग्यूअस ऑफ डिसेप्शन ऑफ दिस एनिमल ऑन द सील हैव बीन फाउंड। ओके, कैमल एंड हॉर्स। ओके, हाँ बिल्कुल, जी, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के को देखें तो ये सिंबल ऑफ स्वास्तिक हैज बीन डिसेप्टेड ऑन द सील एंड पेंटिंग एंड ग्राफिटी, फायर अल्टार्स हैव बीन फाउंड एट कालीबंगान एंड लोथल, हड़प्पन्स प्रैक्टिस योगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन, वन एंड टू, टू एंड थ्री एंड वन टू थ्री। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है,
टेराकोटा एक प्रकार का मटेरियल होता है, सॉफ्ट रॉक टाइप होता है टेराकोटा, उससे मूर्ति फिगराइन होता है, मूर्ति मतलब उसकी बनावट की मूर्ति। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से। और सेशन को लाइक जरूर कर दो, जो बच्चे देख रहे हैं वाकई लग रहा है कि ये सर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो बनाने में टाइम लगता है स्टेटमेंट, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करो यार। ओके, टाइम्स कोचिंग ने इसका आंसर वन बताया है, रजत कंबोज ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन कर लोगे ना प्रैक्टिस तो एसएससी एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो काली बंगाल लोथर और बनामली में क्या पाए गए, फायर अल्टार्स पाए गए यानी यज्ञ की वेदियां पाए गए। फायर अल्टार्स क्या होता है, यज्ञ की वेदी। ओके, तो पहला कि काली बंगाल और लोथल में फायर अल्टार्स पाए गए, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। बिसाइड्स, बिसाइड होता है इसके अतिरिक्त, स्वास्तिक जो हम बनाते हैं स्वास्तिक, ए सोशल सिंबल विद हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन, हैज बीन डिसेप्टेड ऑन द सील एंड पेंटिंग एंड ग्राफिटी। बिल्कुल सही, ये भी एकदम सही है, तो पहला पहली स्टेटमेंट भी सही होगी। ए लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइन डिसेप्ट इंडिविजुअल इन वेरियस योगिक पोस्चर यानी आसन करते हुए दिखाया गया, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग योगा भी करते। तो आप देखा जाए तो 1, 2, 3 और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है 1, 2, 3। ओके हाँ ओके, इसका आंसर क्या है 1, 2, 3। ओके चलिए वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। ओके ये कैसे सर, देखो सर मैं एक्सप्लेनेशन भी लाया हूँ और एनसीईआरटी से ही एक्सप्लेनेशन निकाला है, प्रताप स्टडी पॉइंट सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गलत नहीं है, एनसीईआरटी में जो आपका 11th की एनसीईआरटी है उसे चेक कर लीजिएगा, उसमें दे रखा। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को जरा कंसिडर करें। इट इज ऑल्सो द कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो कैरिड बाय डी आर साहनी, ओके दयाराम साहनी, ओके द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वॉज कैरिड बाय आर डी बनर्जी, ये इंटरचेंज हो गया। ओके दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की करी थी 1921 में, ओके और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की करी थी 1922 में, तो पहली दो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब इससे क्या हो गया कि ओनली ऑप्शन क्या बन गया, ओनली ऑप्शन बच गया वन। अब इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, तो देखो अगर मैं आपको इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँ, ओके इंडिया का छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूँ, ओके तो आपको मैं बता पाऊंगा कि ऐसा इसे क्यों कहा जाता था। ओके तो ये देखिए ऐसे यहां से इंडस ऐसे बह रही है, ठीक है, और अरब सागर में गिरती, जो सरस्वती है ना ये हरियाणा से निकलती थी और ऐसे फ्लो करती थी और इसी के बीच में इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल पाए जाते हैं, जैसे आपका चांदू ये क्या कहते हैं काली बंगाल राखी गढ़ी बनावली, ये जो स्थल है ये आपके सरस्वती नदी के किनारे होते थे, तो इसी वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। तो देखिए मैं जरा स्क्रीन पे से इस ये सारे इंक को मिटा देता हूँ। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय 1920-21 1921 में किसके द्वारा, आर डी बनर्जी, ओके 1921 और दयाराम साहनी ने हड़प्पा करा था और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो, सही है भाई सही बताया। ओके एन अल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो है इंडस सरस्वती, बेस ऑन द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इंडस वैली साइट हैव बीन फाउंड हकरा और गग्गर रिवर। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट साइट होगा, ये आपकी ऑप्शन दोनों गलत होंगे, वेरी गुड। चलिए कंसिडर दी स्टेटमेंट, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यह आपको मैंने जरूर बताया, जल्दी से इसका आंसर बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ए बी सी और डी कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन, जल्दी बताइएगा। ओके योगेंद्र सिंह वॉइस लो है आज, पता नहीं वॉइस का कुछ हो रहा है, ओके ये यूट्यूब से ही हो रहा है, बाकी मैं यहाँ से तेज बोल रहा हूँ काफी। आप हैंड्स फ्री लगा कर सुन सकते हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं मैंने वॉइस बढ़ाने की काफी कोशिश करी,
ओके मैं चेक भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओके अरे नॉर्दर्न मोस्ट साइट दैमाबाद कैसे हो जाएगी और सदर्न मोस्ट साइट मांडा कैसे हो जाएगी? इसका होगा नीदर वन और नीदर टू। ओके इसका आंसर क्या है? नीदर वन और नीदर टू। ध्यान से सुनो, नॉर्दर्न मोस्ट साइट तो आपकी कौन सी है? मांडा। नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है? मांडा। और सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है? दैमाबाद। अभी थोड़ी देर पहले आपको लोगों को मैंने बताया दैमाबाद। ओके तो नीदर वन और नीदर टू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दोबारा से स्टेटमेंट है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, जल्दी बताइएगा क्या होगा ऑप्शन? ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ वन एंड टू, नीदर वन और नॉर टू। जल्दी से आंसर बताइएगा। ओके ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौरभ आप सही कह रहे हो। ओके डी विल बी करेक्ट। जी है सचिन बाबू बिल्कुल सही, बहुत सही बहुत सही। जल्दी रवि सैनी जी हाँ साउथ दैमाबाद, वेस्ट सुतरकोटा जी हाँ बिल्कुल। वेस्ट में क्या था आपका? सुतरकोटा, यहाँ पे सुक्ता गेंडोर या सुक्ता गेंडोर, इसे सुक्ता गेंडोर भी बुलाते हैं। ओके सुक्ता गेंडोर भी इसे बुलाया जाता है। और आलमगीरपुर क्या था? ईस्ट में, जो आपका मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर। ओके तो यानी बोथ, इसका आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रीति यादव इसका बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ओके चलो वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, मैं देखो खास बात है मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट पंजाब सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम मांडा इन जम्मू टू नॉर्थ टू दैमाबाद इन साउथ, फ्रॉम आलमगीरपुर इन वेस्ट टू वेस्टर्न यूपी टू सुक्ता गेंडोर इन बलूचिस्तान इन द वेस्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को के बारे में बताइए। बार्ले हैव बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ओके ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू पुट बैंगल्स। ओके इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैंगल्स को रखते थे। ओके चलो क्योंकि काली बंगाल में कड़े पाया गया ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अदर सिविलाइजेशन या अलग अदर कंट्रीज के साथ व्यापार करते थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो उसके समय की सभ्यताएं थी, जैसे इजिप्ट की सभ्यता जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, चाइना की सभ्यता और इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता होती थी, उनके साथ इनका व्यापार होता था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके ओके इसका तीनों ही इसका राइट आंसर है। रजत कंबोज डी कैसे होगा? एक मिनट, पिछले क्वेश्चन का आंसर डी कैसे होगा? सही तो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ओके 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 हाँ मैं ही गलत, मैं थोड़ा गलत कर गया। ओके ओके मैंने जल्दबाजी में यहाँ कर दिया, इसका ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी सॉरी रजत, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ओके थैंक यू चंदन, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती, वो थोड़ा जल्दबाजी में मैंने वन एंड टू कर दिया। ईस्टर्न मोस्ट आपका, ईस्टर्न मोस्ट तो आपका क्या है? आपका आलमगीरपुर है। वेस्टर्न मोस्ट आपका सुक्ता गेंडोर है। जी हाँ बिल्कुल, अपनी बात करके खुद ही गलत। ओके अगला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओके उनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो एग्रीकल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व में सबसे पहले थे, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ओके फर्स्ट इन वर्ल्ड है जिन्होंने कॉटन कपास की खेती करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्व में सबसे पहले इन्होंने कपास की खेती करी थी, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। ऑक्सन बेफेलो गोट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंडस वैली से, ये भी आपका सही है। ऑल ऑफ द अबव तो देखेंगे। नो साइट ऑफ द सिविलाइजेशन फाउंड इन हरियाणा रीजन, बल्कि भाई हरियाणा में तो दो हैं, एक तो है राखीगढ़ी। ओके राखीगढ़ ये आपका फतेहाबाद में पड़ता है, किसमें पड़ता है? फतेहाबाद में, हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। और बनावली, बनावली बनावली आपका किसमें पड़ता है? हिसार जिले में पड़ता है, किसमें? हिसार जिले में। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर करना। ओके 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 चलिए वेरी गुड, सेशन को शेयर जरूर करो भाई और इसे लाइक करो। जो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को शेयर भी जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सबसे बड़ी, विच वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल साइट, ध्यान रखिएगा यहाँ इंडस्ट्रियल साइट पूछा गया, क्या पूछा गया, इंडस्ट्रियल साइट। आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दो भानी सिंह, चंदन, रवि, और भाई प्लीज सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते चले, सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि और बच्चों तक पहुंचे। अच्छा, और हाँ बता दो, आज शाम 4 बजे, आज शाम को 4 बजे मैं नेशनल पार्क और बायोस्फीयर के बारे में कराऊंगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आना तय होता है। तो शाम को 4 बजे वाला सेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, शाम को 4 बजे वाला सेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा। लोथल जो था ना आपका, ये तो बंदरगाह था, डॉक यार्ड था, ओके डॉक यार्ड था, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। रोपड़ जो पंजाब में है, ठीक है, धोलावीरा यहाँ पे, इसका आंसर है चांदू दड़ो। चांदू दड़ो से ना क्या देखा, बीड्स मेकिंग मिली है, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री की मिली है, बीड्स मेकिंग यानी मन के, नहीं होते मन के बीड्स, मन के उसका मतलब, उससे क्या बनाई जाती थी, ज्वेलरी बनाई जाती थी, ज्वेलरी बनाई जाती थी, क्या बनाई जाती थी, ज्वेलरी बनाई जाती थी। जी हाँ बिल्कुल, अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मैंने मेल तो भेज दी थी उसकी, पता नहीं वो क्यों अभी तक नहीं है, तो जीएस विद जिवेश पर वो अभी 1 बजे तक आपको सारी मिल जाएगी, जीएस विद जीवी या जीएस विद जिवेश, जो सा भी मिले इसे ज्वाइन कर लो, ओके जो सा भी मिले। दरअसल ये क्या है, ये तो है चैनल, ये तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप इस पर मैसेज नहीं कर पाओगे, आप इसे ज्वाइन कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली मैं आपको इसमें ऐड कर लूंगा, ओके। और फिर इसमें ये है ग्रुप, इसमें आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हो। और इस पे ना एक मैं बात बताऊं, यहाँ पे ना कुछ बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो क्या कराते हैं, क्विज कराते हैं, जो आपकी करंट अफेयर्स की भी होती है और जीके की भी होती है, ओके। जैसे इसमें आ गया विशाल राणा, अंजलि यादव, भाग्यश्री, अक्षर अमन, उपेंद्र, ये एडमिन है, तो बिल्कुल आप अगर क्विज करनी है आपको रेगुलर इंटरवल पर, तो आप इसे ज्वाइन करके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे यूनिक फीचर कौन सा है, ओके धोलावीरा साइट का, जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जल्दी से बताइएगा धोलावीरा साइट का, ओके देखो सिंधु घाट इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम टाउन प्लानिंग देखा जाए, टाउन प्लानिंग, ओके टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग जो होती थी वो ग्रिड पैटर्न पे होती थी, किसमें होती थी, ग्रिड पैटर्न पे, ओके यानी जो रोड थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटा करती थी, ग्रिड पैटर्न ये था, यानी बॉक्स बॉक्स, ऐसे बॉक्स बॉक्स ग्रिड पैटर्न पे होती थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये इंडस धोलावीरा है ना, ये हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड, ओके ये कैसी है, हॉरिजॉन्टली, केवल ऐसे ही डिवाइड है ये धोलावीरा, ओके धोलावीरा यानी इसमें ऐसे ऐसे नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ओके ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग हैव बीन अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, यानी एग्रीकल्चर के जो हमें सबसे पहले साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो एग्रीकल्चर के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से, ओके ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके कभी कभी ऐसे वन लाइनर के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है, एग्रीकल्चर के सबसे पहले हमें क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, यानी हमें एविडेंस मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की स्क्रिप्ट यानी लिपि यानी वो जो राइटिंग होती थी वो कैसी थी, जल्दी बताइएगा, ओके जी हाँ बिल्कुल राहुल, सुनील, बख्शी, आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर, और भाई सेशन को जरा शेयर और लाइक जरूर करते, जिन्होंने सेशन को लाइक जरूर नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस सेशन, ओके जी हाँ बिल्कुल। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
पिक्टोग्राफिक, जी हाँ, इसका आंसर क्या है? पिक्टोग्राफिक, इसका आंसर क्या है? पिक्टोग्राफिक, जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? पिक्टोग्राफिक। और एक चीज यार ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, अनलिमिटेड अगर वीडियोस आपको परचेज करनी हो तो कितने में मिल रहा है? 99 में मिल रहा है, यानी 24/7 आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है? घर बैठे तैयारी सिलेक्शन की। तो जितने भी हमारी वीडियो क्लासेस हैं वो आपको कितने में मिल जाएंगी? ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों को इस पे जरूर ध्यान देना है, 21 डेज फ्री चैलेंजिंग मॉक, जिसमें डेली विनर होगा। अब आने वाले 5 अप्रैल को आपका यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम होगा, तो जरा ऐसे करना, ये रोज 1 बजे होता है, आपको विजिट करना Under 24/7 की वेबसाइट पर। आपको विजिट किस पर करना है? Under 24/7 की वेबसाइट पर। और एक आप यूपीएससी का एग्जाम ईपीएफओ वाला भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल या बैंकिंग, जिसके भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सभी मिलेंगे। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको शाम को 4 बजे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, बेस क्वेश्चंस कंसेप्ट के साथ, मैप के साथ बता देवे। सेशन को शेयर जरूर करिएगा, और एटलीस्ट मेरे को शाम को 50 स्टूडेंट चाहिए सेशन में, लाइव 50 स्टूडेंट होने चाहिए। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं ग्रुप में आपको दे दूंगा। प्लीज सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी डालिएगा, ताकि मैं अपने पढ़ाने में सुधार कर सकूँ। तो सब सबके लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास शाम को आज शाम को 4 बजे होगी Defence Center 24/7, और कल सुबह 11 बजे होगी Defence Center 24/7। कल सुबह 11 बजे एशियन हिस्ट्री को ही हम पढ़ेंगे आगे, और एशियन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एशियन डायनेस्टीज। चलिए तो तब सबको मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, स्टे एट होम स्टे सेफ, हमें कोरोना को हराना है। बाय बाय एवरीवन।